Hello everyone, class 11th. Today we are going to discuss about the classification of algae. ठीक है, आज हम algae के classification के बारे में discuss करेंगे. So algae are divided into the various classes based on the pigmentation, type of the stored food material and kind of the flagellation. Which type of the flagellation is there, in which form the food material is stored and which type of the pigmentation is there. कौन कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है आपका, उसके अलावा कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं, किसकी मात्रा ज़्यादा है किस पिगमेंट की. जो फूड है वो आपका मटेरियल, आपका फूड मटेरियल आपका किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है आपका फर्दर यूज़ के लिए आपका, और फ्लैजिलेशन क्या है आपका. इन तीन मेन बेसिस के ऊपर आपका एल्गी को क्लासिफाई किया गया है. और एल्गी की जो मेन थ्री क्लासेज हैं वो होती हैं आपकी क्लोरोफाइसी, डेट इज़ द ग्रीन एल्गी, फ्यूफाइसी होते हैं आपके ब्राउन एल्गी, एंड रोडोफाइसी क्या होते हैं आपके रेड एल्गी. क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, फ्यूफाइसी ब्राउन एल्गी, एंड रोडोफाइसी क्या होते हैं आपके रेड एल्गी होते हैं. तो आज हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं आपका फर्स्ट क्लास को, डेट इज़ द क्लोरोफाइसी. इट लिटरली मीन्स द ग्रीन एल्गी. ग्रीन एल्गी के बारे में डिस्कस करते हैं. द मेंबर्स ऑफ द क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड द ग्रीन एल्गी. देयर आर अबाउट 7000 स्पीसीज इन दिस क्लास. द रिजर्व फूड मटेरियल इज स्टार्च. इनका रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है आपका, स्टार्च होता है. मेन पॉइंट ये है आपका कि रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है आपका, स्टार्च होता है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज द हैबिटेट, यानी कि वो कैसे आपके एनवायरमेंट में सर्वाइव करते हैं. दीज आर द मोस्टली मैरीन फॉर्म्स, ओनली सम आर द फ्रेश वाटर, यानी कि एक्वेटिक होते हैं. एक्वेटिक होने के साथ साथ ही आपका मैरीन फॉर्म ज़्यादा होती हैं आपकी, फ्रेश वाटर फॉर्म आपकी कुछ कम होती हैं. क्लोरेला कैन टॉलरेट मॉडरेटली वार्म वाटर. अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर, क्योंकि जो क्लोरेला है आपका वो वार्म वाटर में पाया जाता है. स्नो ड्वेलिंग में फॉर्म्स आर कॉल्ड द क्रायोफाइट्स, यानी कि जो आपकी जो फॉर्म आपका किस में, बर्फ में आपकी स्नो में पाई जाती है, उनको क्रायोफाइट्स बोला जाता है. इसके एग्जाम्पल होते हैं आपके क्ले माइडोमोनास निविलिज आपका क्रायोफाइट का आपका एग्जाम्पल है. आपका स्कोटिल है आपका, क्या है आपका दूसरा एग्जाम्पल है आपका स्कोटाइला, इसका दूसरा एग्जाम्पल है. सेकेंड पॉइंट हो गया आपका सेल ऑर्गेनाइज, इसमें इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपका. दे आर द यूनिसेलुलर, इसमें आपकी यूनिसेलुलर फॉर्म भी हो सकती है, आपकी कॉलोनियल फॉर्म भी हो सकती है, सिनोसिटिक फॉर्म भी हो सकती है, मल्टीसेलुलर फॉर्म भी हो सकती है. यूनिसेलुलर यानी कि जैसे आपका क्लेमाइडोमोनास हो गया, वो आपका मेनली यूनिसेलुलर होता है. मल्टीसेलुलर फॉर्म हो गई आपकी, ठीक है, आपका कैरा मल्टीसेलुलर फॉर्म में आ जाता है आपका, ठीक है. कॉलोनियल फॉर्म, सिनोसिटिक फॉर्म ये हो गया आपके, इसमें क्या आएंगे आपके वॉल्वॉक्स आपका कॉलोनियल फॉर्म में आता है. तो इस तरह से आपके डिफरेंट डिफरेंस में सेल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं आपके. सेल वॉल कंटेन द सेलुलोज इनर लेयर एंड द पैक्टोज इज द मोस्ट ऑफ द ग्रीन एल्गी. तो देखो इसमें क्या होता है आपका, जो सेल वॉल होती है आपकी वो सेलुलोज से मिलकर के बनी होती है. मतलब सेल वॉल आपके दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है. इनर जो लेयर होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, जो आउटर लेयर होती है वो पैक्टोज की बनी होती है, ठीक है. मोस्ट ऑफ द ग्रीन एल्गी क्लोरोप्लास्ट में भी द डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट के भी आपके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म हो सकते हैं. डिस्कॉइड फॉर्म हो सकता है आपका, प्लेटलाइज हो सकता है आपका, रेटिकुलेट हो सकता है आपका, कप शेप्ड हो सकता है आपका, स्पाइरल हो सकता है आपका, रिबन शेप्ड हो सकता है, ठीक है. अब इसके बाद आता है आपका द क्लोरोप्लास्ट कंटेन द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड द पायरिनॉइड्स. इनका करेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, इनके केस में आपके पायरिनॉइड्स आपके मेनली पाए जाते हैं, ठीक है. सेल ऑर्गेनाइजेशन का एक करेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनके केस में आपका वन से ज्यादा आपके स्टोरेज बॉडीज होती हैं जिनको पायरिनॉइड बोला जाता है. ये प्रोटीन की बॉडीज होती हैं आपकी, उनके चारों का स्टार्च क्लियर पाई जाती है. स्टार्च को ये क्या करते हैं आपका, स्टोर करते हैं. लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट में आपके लोकेटेड होते हैं. पायरिनॉइड कंटेन द प्रोटीन बिसाइड द स्टार्च. देखो ये मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं आपके, उसके चारों ओर आपका स्टार्च की क्या होती है आपकी लेयर पाई जाती है. सो नाउ दिस इज द फॉर्म ऑफ द सम फॉर्म ऑफ द ग्रीन एल्गी. आप देख सकते हैं क्लेमाइडोमोनास है आपका, ये वॉल्वॉक्स है, ये आपका कह रहा है, ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको बताया था. अब ये थैलस के बारे में बात कर रहा है. यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी कैन बी फ्लैजलेटेड. जो यूनिसेलुलर फॉर्म होती हैं वो आपका फ्लैजलेटेड हो सकती हैं आपकी, क्लेमाइडोमोनास में फ्लैजलेटेड होती है. लेकिन जो क्लोरेला है उसमें ये आपकी नॉन फ्लैजलेटेड होती हैं आपकी. एसिटाबुलेरिया आपका अम्ब्रेला प्लांट होता है आपका, ठीक है. हैज़ यूनिसेल अप टू 10 सेंटीमीटर लॉन्ग विद द डिस्टिंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस कंटेनिंग द राइजॉइड्स इलोंगेटेड स्टॉक एंड द अम्ब्रेला लाइक कैप, ठीक है. तो इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है अ कॉलोनी और कॉलोनी फॉर फिक्स नंबर ऑफ द इंडिविजुअल यूनिसेल्स, यानी कि जो आपका वॉलवॉक्स है वो कॉलोनियल फॉर्म में पाया जाता है, जिसमें नंबर ऑफ सेल्स आपके क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं. इसको सिनोबियम कंडीशन भी बोला जाता है आपका. सिनोसिटिक और द सिफोनेसियस थैलस अगर इन द कॉलेरपा, ठीक है. अनब्रांच फ्लामेंटस थैलस इन द यूरोथ्रिक्स. यूरोथ्रिक्स का जो थैलस होता है वो ब्रांच्ड नहीं होता है, अनब्रांच्ड होता है आपका. स्पायरोगायरा का भी सेम ऐसा ही होता है. क्लैडोफोरा का आपका हेट्रोट्राइकस होता है आपका. स्टीगो क्लोनियम का आपका, ठीक है, स्टीगियो क्लोनियम का ऐसा होता है. एंड द पेरेन्काइमेटस होता है आपका अल्वा में, ठीक है. तो ये सारे के सारे क्या हैं आपके, एल्गीज हैं, ग्रीन एल्गी. रिप्रोडक्शन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं. तो क्लोरोफाइसी में आपका जो रिप्रोडक्शन, तीनों तरह का रिप्रोडक्शन होता है. वेजिटेटिव भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल भी होता है. जो
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो आपका सेल डिवीजन से होता है, यानी कि यूनिसेलुलर फॉर्म में आपकी डिवाइड हो जाती है। फ्रेगमेंटेशन आपका मल्टीसेलुलर फॉर्म में होता है। स्टोलन ट्यूबर फॉर्मेशन होता है आपका मल्टीसेलुलर फॉर्म में, ठीक है। स्टोरेज सेल से भी आपका इसमें रिप्रोडक्शन हो सकता है वेजिटेटिवली। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये आपका जो स्पोर्ट्स के थ्रू होता है, आपका एप्लाइनोस्पोर्स, हिप्नोस्पोर, एकाइनेट और आपका डॉटर कॉलोनीज हो गई। आपका डॉटर कॉलोनीज मेनली वॉल बॉक्स में होती है। जो स्पोर्ट्स क्या होते हैं आपके, ये फ्लैजलेटेड स्ट्रक्चर होते हैं। एप्लाइनोस्पोर भी आपका फूड स्टोरिंग आपके क्या होते हैं, आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, लेकिन इनकी वॉल क्या होती है आपकी, थिन होती है। जब इनकी वॉल थिक हो जाती है इनको आपका हिप्नोस्पोर्स बोला जाता है। इसी तरह से आपके एकाइनेटिस भी क्या होते हैं, आपके फॉर्म होते हैं। अब बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो ये आइसोगैमस एंड आइसोगैमस ओगैमस तीनों में से किसी भी तरह का हो सकता है। आइसोगैमस कहने का मतलब है कि आपका जो गैमेट्स होंगे वो सिमिलर होंगे, अनआइसोगैमेट्स में क्या होंगे आपके, डिसिमिलर होंगे। आपके ओगैमस में क्या होगा, आपका एक बहुत लार्ज होगा आपका जो फीमेल है, आपका फीमेल गैमेट, और जो मेल गैमेट है वो क्या होगा आपका, स्मॉल होगा, छोटा होगा, ठीक है। लाइफ साइकिल की बात करें तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो सकती है, यानी कि हैप्लॉइड स्टेज होंगी केवल। डिप्लॉन्टिक भी हो सकती है आपकी, डिप्लो हैप्लॉन्टिक भी हो सकती है आपकी। डिप्लो हैप्लॉन्टिक में क्या होगा आपका, मेन प्लांट बॉडी आपका डिप्लॉइड होगी केवल, जो आपका गैमेट्स फॉर्मेशन होगा वही गैमेट्स जो होंगे वो हैप्लॉइड होंगे, बस उसके अलावा कोई भी स्टेज आपकी हैप्लॉइड नहीं होगी। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, इन हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देयर इज अ सिंगल सोमेटिक फेज, आपका सिंगल सोमेटिक फेज होती है विच इज अ डिप्लॉइड, वो डिप्लॉइड होती है आपकी, ठीक है। डिप्लॉइड स्टेज इज द रिप्रेजेंटेड बाय द सिंगल सेल और द जायगोट, दैट इज द स्पाइरोगायरा। इसका एग्जांपल आपका स्पाइरोगायरा आपका केवल जायगोट के थ्रू आप डिप्लॉइड स्टेज क्या होती है आपका, आपके केवल जायगोट होता है किसमें, आपका हैप्लॉन्टिक स्टेज, जो आपका हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। केवल आपका जायगोट ही डिप्लॉइड स्टेज होगी, जो आप फिर दोबारा उसमें रिडक्शन डिवीजन होगा, आपका स्पोर्ट्स फॉर्म होंगे, आपके हैप्लॉइड होंगे, स्पाइरो वगैरह एग्जांपल है। अब दूसरी क्लास आ जाती है आपका फियोफाइसी, फियोफाइसी आर नोन एज द ब्राउन एल्गी, ठीक है। जैसा इससे पहले हमने पढ़ा आपका क्लोरोफाइसी, उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी भी होता है आपका, जो ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो कलर होता है वो आपका ग्रीन कलर होता है, ठीक है। इसके अलावा जैंथोफिल और आपका कैरोटीनॉइड्स भी होते हैं, लेकिन उतने ज़्यादा अमाउंट में नहीं होते। क्लोरोफिल ए और बी आपका ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। अब बात कर लेते हैं आपका फियोफाइसी की, फियोफाइसी आपके ब्राउन एल्गी कहलाते हैं, क्योंकि इसमें आपका क्लोरोफिल ए होता है आपका, ठीक है, क्लोरोफिल ए है आपका, ठीक है। क्लोरोफिल ए के साथ साथ क्या होता है आपका, इसके केस में करेक्टरिस्टिक फीचर होती है आपकी फियोफाइसी में, क्लोरोफिल ए होगा और उसके साथ क्या होता है आपका, क्लोरोफिल जी सी होता है आपका। और इसके अलावा इसमें आपका फ्यूकोजेंथिन जैंथिन पाया जाता है। फ्यूकोजेंथिन आपका एक ब्राउन क्या होता है आपका, पिगमेंट होता है, तो जिसकी वजह से इनका पिगमेंट का, इस पिगमेंट की वजह से इनका कलर कैसा हो जाता है आपका, ब्राउन हो जाता है। तो ये लिखा है द मेंबर्स ऑफ द फियोफाइसी कंटेन द फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट एंड इंक्लूड द फाइकोकोलॉइड मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक एल्गी, इट्स कॉमन मेंबर आर द सी वीड्स कॉल्ड द कैल्प्स। इसके कॉमन मेंबर्स को आपका सी वीड्स बोला जाता है, बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं इसमें आपका, जिनको कैल्प्स बोला जाता है। दिस क्लास इज कंप्राइजेस अबाउट द 2000 ऑफ द स्पीसीज। फर्स्ट नंबर इज दैट हैबिटेट, हैबिटेट कैसे हैबिटेट में पाए जाते हैं, ये मोस्टली मैरीन होते हैं, ठीक है। जैसा हमने आपका एल्गी में पढ़ा कि क्लोरोफाइसी में, उसमें भी आपका मैरीन थे, कुछ फ्रेश वाटर फॉर्म थी, इसमें आपका मेनली एरिन है, मैरीन फॉर्म्स हैं आपकी। दीज आर द फॉन्ड मोस्टली इन द कोल्डर सी ड्यूरिंग और ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन इन द ट्रॉपिकल रीजन। तो मेनली आपका कोल्डर सीज में पाए जाते हैं आपके, और लेकिन जो आपका ट्रॉपिकल किसमें आपका ट्रॉपिकल रीजन में, या आपका कोल्ड सीजन में होंगे केवल, और जब आपका कोई आपका वार्म सीजन आता है तो डिसअपेयर हो जाते हैं आपके, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनकी साइज की, साइज के बारे में बात करना जरूरी है, क्योंकि आपका साइज में बहुत बड़े होते हैं आपका, 100 मीटर तक इनका साइज हो सकता है आपका। साइज दे रेंज फ्रॉम द सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म, इनकी जो फॉर्म होती है वो आपकी ब्रांच होती है, इसको ध्यान रखना है आपने। ब्रांच्ड होते हैं आपके एक्टोटार्पस, इसका क्या आपका एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस, और प्रोफ्यूजली ब्रांच होते हैं आपके, फॉर्म्ड एज अ रिपीटेड बाय द कैल्प्स, कैल्प्स के रिपीटेशन से क्या होते हैं आपका, इनका फॉर्मेशन होता है आपका, प्रोफ्यूजली ब्रांच टाइप का आपका फॉर्मेशन बनता है आपका, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट दिस रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट एल्गी, जो आपका फियोफाइसी होता है आपका, ये लार्जेस्ट एल्गी क्या करता है आपका, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। द लार्जेस्ट कैल्प्स आर मैक्रोसिस्टिस, सबसे लार्ज आपका मैक्रोसिस्टिस है आपका, लार्जेस्ट आपका ब्राउन एल्गी आ गया आपको, 40 to 100 मीटर आपका लॉन्ग है, देख सकते हैं हम कितना बड़ा होगा, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका वो क्या है आपका, नैरियोसिस्टिस है आपका, ये आपका 20 to 30 मीटर होता है। इसके बाद सेल ऑर्गेनाइजेशन, ऑल मेंबर्स आर मल्टीसेलुलर, सारे के सारे मेंबर आपके मल्टीसेलुलर होते हैं, जिसे हमने क्लोरोफाइसी में पढ़ा था, कुछ आपके यूनिसेलुलर फॉर्म भी थी। सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ द सेलुलोज पैक्टोज एंड द फाइकोकोलाइड, इसमें आपका जैसे वहाँ आपका इनर आपकी किसी बनी थी, सेलुलोज की बनी थी बाहर आपकी पैक्टिन की वजह से, यहाँ पर आपका सेलुलोज भी है, पैक्टोज भी है आपका, फाइकोकोलाइड भी आपका। द सेलुलोजिक वॉल ऑफ द वेजिटेटिव सेल इज यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय द जिलेटिनस कवरिंग कॉल्ड द एल्गिन। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया कि आपका कि इसमें जो आपका सेल वॉल होती है आपकी, सेलुलोजिक सेल वॉल होती है आपकी वेजिटेटिव सेल्स की, वो आउटसाइड साइड से आपका जिलेटिनस कोटिंग से कवर रहती है, जिसको एल्गिन बोला जाता है। सो दीज आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्राउन एल्गी, क्या है आपका, ये आप देख सकते हैं कि लैमिन एरिया हो गया, ये आपका लैमिन एरिया है, ये आपका फ्यूकस है, और ये क्या है आपका, दिस इज द डिक्टियोटा,
ठीक है, लैमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा, ये तीन है आपके। अब देखो इनके केस में क्या होता है आपका, जब आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो इसमें सबसे नीचे क्या होता है आपका, होल्ड फास्ट होता है, जिसकी वजह से आपका ये बेसल सेल होती है जिसकी हेल्प से ये क्या रहते हैं आपका सबस्ट्रेटम में अटैच्ड होते हैं। किसी में स्टाइप हो सकता है, किसी में स्टाइप नहीं भी होता है आपका। फिर आपका फ्रंट हो गया आपका मेन, आपका जो पोर्शन होता है आपका। कुछ प्लांट्स में आपका एयर ब्लैडर भी पाए जाते हैं जो इनको क्या करते हैं आपका फ्लोटिंग में हेल्प करते हैं, बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, होल्ड फास्ट आप देख सकते हैं, होल्ड फास्ट क्यों होता है आपका, इनके अटैचमेंट के लिए, क्योंकि जो आपका सबमर्ज्ड फॉर्म होती है इनकी आपका ब्राउन एल्गी की, वो क्या रहती है आपका सबस्ट्रेटम से अटैच्ड रहती है। किसकी हेल्प से आपका, होल्ड फास्ट की हेल्प से। या आपका जिलेटिनस स्ट्रक्चर आपका प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से वो ग्लू टाइप का, यानी कि ग्लू की तरह क्या करेगा, हेल्प करेगा इनको ज्वाइन करेगा। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में आपका, था थैलस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ द हेट्रोट्राइकस फिलामेंट, ये आपके हेट्रोट्राइकस फिलामेंट होते हैं विद बोथ द प्रोस्टेट एंड द अपराइट ब्रांचेस। तो इसमें आपका प्रोस्टेट ब्रांचेस यानी कि साइड से भी हो सकती हैं आपकी, अपराइट ब्रांचेस भी होती हैं आपकी। एक्टोकार्पस इसका एग्जाम्पल है आपका, था पेरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर इज फाउंड इन द हायर फॉर्म्स, जो हायर फॉर्म्स होती हैं उनमें आपका पेरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर भी पाया जाता है, जैसे आपका फ्यूकस हो गया आपका, इसमें पाया जाता है आपका। द प्लांट बॉडी ऑफ द लार्ज फॉर्म ऑफन डिफ्रेंशिएटेड इनटू द होल्ड फास्ट, जो मैंने आपको बताया था, विथ विच इट यूजुअली अटैच टू द सबस्ट्रेटम, जिसकी हेल्प से ही क्या रहते हैं आपका सबस्ट्रेटम से क्या रहते हैं आपके अटैच रहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, अ स्टॉक कॉल्ड अ स्टाइप, स्टॉक होता है आपका। ठीक है, इसके बाद आता है आपका लैमिनेरी। ठीक है, ये क्या होता है आपका, लैमिना क्या होता है आपका, लैमिना आपका फ्रॉन्ड होता है। ठीक है, मेन आपका जो फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है वो क्या होता है आपका, लैमिना होता है आपका। कंडक्टिंग ट्यूब और द ट्रम्पेट हाइफिया प्रेजेंट इन द हायर ब्राउन एल्गी और कैल्प्स। ठीक है, कैल्प्स यानी कि हायर जो ब्राउन एल्गी, आपको पता है उनको कैल्पिस भी बोला जाता है। तो इनमें आपका क्या होता है आपका, कंडक्टिंग ट्यूब आपका स्ट्रक्चर भी आपका पाया जाता है, जिसको आपका ट्रम्पेट हाइफी भी बोलते हैं आपका। दे हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ द फूड मटेरियल, ये फूड मटेरियल के कंडक्शन में हेल्प करते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एंड द कलर। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था, क्लोरोफिल ए एंड सी होता है, जैसा कि आपका जो क्या था आपका क्लोरोफाइसी था, ग्रीन एल्गी था, उसमें क्लोरोफिल ए एंड बी था। इसमें मेन क्या है आपका, क्लोरोफिल ए एंड सी, इसके अलावा आपका कैरोटीनॉइड्स हो गए, जेंथोफिल के बारे में हमने पढ़ा है कि वो भी प्रेजेंट रहते हैं। दे रेंज इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ द ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ द जेंथोफिल एंड फ्यूकोजेंथिन। आपको पता है कि जेंथोफिल हो गया आपका, फ्यूकोजेंथिन हो गया, इसकी वजह से इनका कलर चेंज होता रहता है। तो ये ऑलिव ग्रीन से लेकर के आपका डिफरेंट ब्राउन शेड में पाए जाते हैं। ठीक है, ये इन पिगमेंट की वजह से। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एट इज द फूड मटेरियल। तो इनका जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो आपका क्या होता है, कॉम्प्लेक्स आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, विच इज ऑल्सो नोन एज द लैमिनेरिन और मैनिटोल, जिसको आपका लैमिनेरिन और मैनिटोल बोला जाता है। दिस वन इज द इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, आपका लैमिनेरिन हो गया आपका। ठीक है, एक तो लैमिनेर हो गया, दूसरा आपका मैनिटोल हो गया, इनका रिजर्व फूड मटेरियल है। नाउ फ्लैजिलेशन, दे कंटेन द हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिला। हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिला कहने का मतलब है कि दो फ्लैजिला होंगे आपका, जिसमें से एक स्मूथ आपका वीप्लास टाइप का होगा, दूसरा आपका टिंसल यानी कि कैसा होगा, उसके ऊपर क्या होंगे आपके खुरदरे से स्ट्रक्चर होंगे, यानी कि आपके माइनर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से उसकी सरफेस कैसी हो जाती है आपकी, रफ हो जाती है। रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आकर्स थ्रू द फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपका फ्रेगमेंटेशन से होता है आपका सार्गेसम में, एडवेंटिशियस ब्रांचेज एंड स्टोलन से होता है आपका डिक्टियोटा में। ठीक है, इसके बाद आता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है आपका वाई फ्लैजेलेट जूस पोर्स से, विच आर द पियर शेप्ड हैविंग टू अनइक्वलेटरी अटैच्ड फ्लैजिला। जो आपके जूस पोर होते हैं वो आपका वाई फ्लैजेलेटेड होते हैं, पियर शेप्ड होते हैं, उनके पास जो अनइक्वल क्या होते हैं आपके फ्लैजिला होते हैं। ऑब्वियसली फ्लैजिलेशन इसमें आपका होता है और वो क्या होते हैं आपके एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अटैच्ड फ्लैजिला आपके पाए जाते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द आइसोगैमी, अनआइसोगैमी एंड ओगैमी, तीनों ही आपके केस हैं। आइसोगैमी भी हो सकता है, अनआइसोगैमी, ओगैमी। यूनियन ऑफ द गैमेट में टेक्स प्लेस इन द वाटर और विद इन द ओगोनियम, या तो वाटर में होगा आपका फ्यूजन फर्टिलाइजेशन, या तो आपका वाटर में होगा आपका, या फिर कहाँ होगा आपका ओगोनियम में होगा आपका। ठीक है, जो ओगैमस स्पीसीज है केवल उसी में आपका ओगोनियम में होता है, उसी के बेसिस पे उनको ओगैमस स्पीसीज बोल दिया जाता है। द गैमेट्स आर द पायरीफॉर्म, पायरीफॉर्म कहने का मतलब आपका पियर शेप्ड है एंड हैव टू लेटरली अटैच फ्लैजिला। जैसा आपका किसमें होता है जूस पोर्स में होता है, सेम वैसे ही आपके क्या होते हैं आपके गैमेट्स होते हैं, वो भी आपका पायरीफॉर्म होते हैं, उनके पास भी दो क्या होते हैं आपके फ्लैजिला प्रेजेंट रहते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल कैसी होती है आपकी, आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज फाउंड इन द सम ब्राउन एल्गी। आइसोमॉर्फिक कहने का मतलब है इक्वल नंबर में क्या आएंगी आपकी, हैप्लोंटिक और डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल आएगी, दैट इज द एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, इन दोनों में इस टाइप का होता है आपका। इन मैनी ब्राउन एल्गी द डिप्लॉयड जनरेशन और फेज इज डोमिनेंट, और लेकिन बहुत सारे में क्या होता है आपका डिप्लॉयड फेज आपकी डोमिनेंट होती है। हैप्लॉयड फेज केवल आपका गैमेट्स के टू रिप्रेजेंट होती है। द हैप्लॉयड फेज इज इधर माइक्रोस्कोपिक और रिप्रेजेंटेड बाय द गैमेट्स ओनली, जो मैंने आपको बताया फ्यूकस। अब इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है आपका फ्यूफाइसी का, ये क्या क्या इकोनॉमिक इंपोर्टेंस इसके बारे में देख लेते हैं। तो फर्स्ट इज दैट द ब्राउन एल्गी डेट आर यूज एज अ फूड आर द लैमिनेरिन, नैरोसिस्टिस, मैक्रोसिस्टिस, अलेरिया। तो ये आपका
फूड की तरह यूज होते हैं। इसके अलावा है आपका सम ब्राउन एल्गी लाइक द फ्यूकस, सार्गेसम, लैमिनेरिया, माइक्रोसिस्टिस आर इंपॉर्टेंट फॉर्डर फॉर द कैटल। या आपका जानवरों के फूड की तरह, ये ह्यूमन के फूड की तरह यूज हो रहे हैं आपके। ब्राउन एल्गी आर कलेक्टेड फ्रॉम द सी शोर्स एंड आर ऑल्सो यूज एज मैन्योर, मैन्योर की तरह भी यूज किया जाता है आपका, यानी कि खाद बनाई जाती है। दे इंप्रूव मिनरल कंटेंट ऑफ द सॉइल। एल्जीनिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट है आपका। एल्जीनिक एसिड इज अ फाइकोक्लोराइड ऑब्टेन फ्रॉम द नंबर ऑफ द ब्राउन एल्गी सच एज द एलेरिया, माइक्रोसिस्टिस, एस्कोफिलम, लैमिनेरिया एक्सेट्रा। इट इज़ यूज एज द इमल्सीफायर की तरह यूज होता है आपका, थिकनर की तरह यूज होता है आपका, जिलेटिंग एजेंट की तरह यूज होता है आपका, टूथपेस्ट में इसका यूज किया जाता है आपका, सेविंग क्रीम्स में यूज किया जाता है, आइसक्रीम्स में यूज किया जाता है, इमल्सन पेंट्स में, शैम्पू में और कॉस्मेटिक्स में। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। एंड फ्यूकस एंड लैमिनेरिया रिच इन द आयोडीन, ये ऐसे आपके ब्राउन एल्गी हैं जो आपका आयोडीन में रिच होते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द लास्ट क्लास, दैट इज द रोडोफाइसी रेड एल्गी के बारे में बात कर लेते हैं। दे आर द रेड एल्गी बिकॉज देयर अपेरेंस इज रेड बिकॉज ऑफ द आर फाइकोइरिथ्रिन। इसमें इनका, इसमें एक रेड पिगमेंट पाया जाता है जिसकी वजह से इनका कलर क्या होता है आपका, रेड होता है। एंड दैट एल्गी इज द, दैट पिगमेंट इज द आर फाइकोइरिथ्रिन। इसके अलावा आपका फायर आर फाइकोसाइनिन भी होता है। ये मेन पॉइंट है आपका कि ये मेन आपका पिगमेंट है जिसकी वजह से इनका कलर कैसा होता है आपका, रेड होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट हैबिटेट मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर द मैरिन विद द ग्रेटर कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरियाज। तो मेनली आपके क्या होते हैं आपके, किसमें आपके मैरीन होते हैं आपका, कंसंट्रेटेड एरिया में पाए जाते हैं, वार्मर एरियाज में पाए जाते हैं आपके। दे आर फाउंड इन बोथ वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द वाटर एंड ऑल्सो एट ग्रेट डेप्थ इन द ओशियन वेयर रिलेटिवली लिटिल लाइट इज पेनिट्रेट। तो ये दोनों जगह पाए जा सकते हैं आपका, कहते हैं आपके गहरे पानी में भी पाए जाते हैं और आपका शिथिल पानी में भी पाए जाते हैं। कहने का मतलब है सरफेस के पास भी पाए जाते हैं और आपका बहुत ही डीप आपका गहरे उसमें भी क्या होते हैं आपके, ये में आपके प्रेजेंट रहते हैं, जहाँ लाइट आपकी बहुत ना के बराबर आपकी पहुँचती है। थैलस द रेड थैली ऑफ द रेड थैली ऑफ द मोस्ट ऑफ द एल्गी ऑफ द मल्टीसेलुलर, मेनली मल्टीसेलुलर होते हैं। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लाइक द एस्ट्रोसिस्टिस, स्यूडोफिलामेंटस, पॉरीफाइरिडियम इज यूनिसेलुलर, पॉरफाइरा हैज पैरेन्काइमेटस सीड्स, ठीक है। कॉन्ड्रस इज द रिबन लाइक, जिलिडियम इज अ मल्टीसेलुलर सीवीड। ओके, सेल वॉल कैसा होता है आपका, सेलुलोजिक होता है, पैक्टिक होता है आपका, पैक्टिक कंपाउंड और आपका सर्टेन म्यूकोपॉलीसेक्राइड से मिलकर के बना होता है जिसको आपका फाइकोकोलाइड बोला जाता है, सच एज एगार, कैराजीनन, ठीक है, एक्सेट्रा। इन मैनी एल्गी सेल वॉल कंटेन पिट्स, बहुत सारे उसमें आपका सेल वॉल में आपके पिट्स प्रेजेंट रहते हैं। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रेड एल्गी। देख सकते हैं आपके पॉलीफायरा, ये आपका पॉलीसिफोनिया है, ठीक है। एक आपका नॉर्मल प्लांट के जैसा क्या करते हैं, ये इसका फ्रंट दिखाया गया है केवल, यहाँ मेन एक्सिस है आपका, ब्रांचेस दिख रही हैं आपका, ब्रांच एल्गी होता है। ऐसा लग रहा है कि एक छोटा सा कोई प्लांट ले लिया है आपका, प्लांट लाइक अपीयरेंस देते हैं आपके, प्रॉपर आपका एक जो आपका एंजियोस्पर्मिक प्लांट होता है या जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होता है उसके जैसा क्या दे रहा है आपका, अपीयरेंस देते हैं आपके, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट इज द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्या होता है आपका, हमने पढ़ा क्लोरोफाइसी में ए और बी होता है क्लोरोफिल, उसके बाद हमने पढ़ा कि रोडो किसमें आपका फियोफाइसी में ए और सी होता है। तो इसमें क्या होता है आपका, इसमें जो आपका पाया जाएगा वो क्या होगा आपका, क्लोरोफिल ए और डी, क्या होगा इसमें आपका, क्लोरोफिल ए और डी होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट दियर इंक्लूड क्लोरोफिल ए, यहाँ डी लिखा नहीं है, आप लिख सकते हैं क्लोरोफिल ए और डी होता है आपका, कैरोटीन होता है, जेंथोफिल होता है आपका, फाइकोब्लिन्स होता है, फाइकोब्लिन्स आर वाटर सॉल्युबल एंड आर ऑफ द टू टाइप्स, दैट इज द रेड कलर फाइकोइरिथ्रिन एंड ब्लू कलर फाइकोसाइनिन। मैंने आपको बताया था आर फाइकोइरिथ्रिन एंड आर फाइकोसाइनिन भी होता है आपका, लेकिन फाइकोइरिथ्रिन की वजह से क्या होता है आपका, रेड होता है आपका कलर में। इज अ फूड मटेरियल, इनका फ्लोरिडियन स्टार्च होता है आपका, दैट इज सिमिलर टू द ग्लाइकोजन एंड एमाइलोपेक्टिन की तरह होता है आपका। रिप्रोडक्शन वेजिटेटरी रिप्रोडक्शन होता है आपका, फ्रेगमेंटेशन से रीजनरेशन ऑफ द होल्ड फास्ट एंड द गैमी का गैमी होते हैं, इनमें गैमी पाया जाता है आपका। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है आपका नॉन मोटाइल स्पोर्स से, जो हो गया आपके कार्पो स्पोर्ट्स हो गया आपके, मोनो स्पोर्ट्स हो गया, टेट्रा स्पोर्ट्स हो गया आपका, न्यूट्रल स्पोर्ट्स हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर बाय द नॉन मोटाइल गैमिट्स। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आपका नॉन मोटाइल गैमिट्स की हेल्प से हो रहा है एंड इट इज अ ओगैमस टाइप। जब नॉन मोटाइल गैमिट्स होंगे तो ऑब्वियसली वो कैसा होगा आपका, ओगैमस होगा, जिसमें केवल मेल ही आपका क्या हो सकता है आपका मोटाइल हो सकता है। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड द स्पर्मेटोगोनियम और एंथ्रीडियम। द मेल गैमिट प्रोड्यूस इन नॉन फ्लैजलेटेड कॉल्ड एज द स्पर्मेटियम, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है आपका, द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड द स्पर्मेटोगोनियम और एंथ्रीडियम। मेल सेक्स ऑर्गन को आपका स्पर्मेटोगोनियम या फिर आपका एंथ्रीडियम बोला जाता है। द मेल गैमिट प्रोड्यूस्ड इज नॉन फ्लैजलेटेड, तो मेल गैमिट होता है वो भी आपका नॉन फ्लैजलेटेड होता है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं कह रही थी कि आपका फ्लैजलेटेड होगा लेकिन वो नहीं है आपका, ओ गैमस टाइप में क्या होता है आपका, ऑब्वियसली जो नॉर्मली जो ओ गैमस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है उसमें फीमेल गैमिट आपका बहुत बड़ा होता है, आपका नॉन मोटाइल होता है, लेकिन जो मेल गैमिट होता है वो आपका मोटाइल होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है और बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। फीमेल गैमिट आपका पैसिव होता है, लेकिन इनके केस में करेक्टरिस्टिक फीचर है कि जो मेल गैमिट है उसमें भी वो भी क्या आपका नॉन फ्लैजलेटेड है, ठीक है, उसको स्पर्मेटियम बोला जाता है आपका।
द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड द कार्पोगोनियम। अब ये इंपॉर्टेंट है आपका, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आपको कार्पोगोनियम बोल रहे हैं और मेल को आपका स्पर्मेटोगोनियम। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन अ न्यू स्ट्रक्चर कॉल्ड द कार्पोस्पोरोफाइट। फर्टिलाइजेशन के बाद आपका एक नया स्ट्रक्चर बनता है जिसको आपका कार्पोस्पोरोफाइट बोला जाता है, वो प्रोड्यूस होता है। इट रिमेन अटैच टू द पेरेंट एल्गा। ये आपका पेरेंट एल्गा से क्या रहता है, आपका अटैच रहता है। लाइफ साइकिल कैसी होती है आपकी, हैज टू और मोर फेजेस, इसमें दो या दो से ज़्यादा फेजेस हो सकती हैं। ये हैप्लो हैप्लोंटिक भी हो सकती है, हैप्लो और आपका हैप्लो हैप्लो हैप्लोंटिक भी हो सकती है, हैप्लो हैप्लोंटिक भी हो सकती है, हैप्लो हैप्लो हैप्लोंटिक भी हो सकती है, और डिप्लो 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 हैप्लोंटिक भी हो सकती है। यानी कि दो फेज की भी हो सकती है, तीन फेज की भी हो सकती है आपकी, ठीक है। अब देख लेते हैं आपका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ द रेड एल्गी। रेड एल्गी की जो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है उसमें क्या है आपका, पॉलीफायरा हो गया आपका, कॉन्डस हो गया आपका, रॉडीमेनिया हो गया आपका, सेंट्रेला हो गया आपका, बॉस्ट्रिचिया हो गया आपका, आर यूज्ड एज अ फूड इन द वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये फूड की तरह यूज होते हैं, ह्यूमन फूड की तरह। एगार यील्डिंग एल्गी आर कॉल्ड द एग्रोफाइट्स सच एज द जिलीडियम ग्रैसिलेरिया सिरेनमियम जिलीडिलिया, ठीक है। तो ये जिलीडिलिया आपका, ये सब आपके क्या है, एगार प्रोड्यूसिंग आपके क्या है, एल्गीज हैं। एल्गी लाइक द रॉडीमेनिया आर यूज एज द फॉडर फॉर द कैटल। केराजिनिन इज अ फाइकोकोलाइट ऑब्टेन फ्रॉम द रेड एल्गी लाइक द कॉन्डस एंड गिगैटिना इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ द इमल्सन्स फॉर आइसक्रीम्स चॉकलेट्स सॉसेस टूथपेस्ट कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा। इट इज ऑल्सो यूज इन द क्लीनिंग क्लियरिंग द लिक्वस एंड द फिनिशिंग लेदर एक्सेट्रा। तो ये आपका ये इंडस्ट्रियल यूज हो गया आपका। फ्यूनोरी एंड एडेसिव फाइकोकोलाइट इज ऑप्टेन फ्रॉम द रेड एल्गा डैट इज द ग्लोयोपेल्टिस। इट इज यूज इन द साइजिंग टेक्सटाइल्स पेपर एंड एक्ट एज अ ग्लू। सम एल्गा लाइक द कोरेलिना पॉलिसिफोनिया हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये सारे आपके रेड एल्गी के आपके क्या हो गया, आपका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस हो गया आपका। इससे पहले हमने आपका ब्राउन एल्गी का पढ़ा, और उससे पहले हमने टोटल एल्गी का पढ़ा था, जिसमें आपका ग्रीन एल्गी का जो आपका फूड के रूप में था वो आ चुका था आपका। तो ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है आपका एल्गी। इसके बाद हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो स्टार्ट करेंगे हम क्या आपका प्रायोफाइट्स, ठीक है। सेकंड डिवीजन स्टार्ट करेंगे प्लांट किंगडम का। आपको पता है कि फर्स्ट डिवीजन है आपका थैलोफाइटा का, आपका प्लांट किंगडम का फर्स्ट जो डिवीजन है आपका वो थैलोफाइटा है। थैलोफाइटा में मेनली क्या आता है आपका एल्गी आता है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे किसको आपका ब्रायोफाइट्स को, ओके।